ऑनलाइन क्लासेस डग। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास फोर्थ की सोशल स्टडी का जो सेकंड चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया था। अब इसका जो हम सेकंड पार्ट है जो कि पेज नंबर 12 पर है वो आज हम रीड कर रहे हैं। ईस्टर्न ब्रांचेस, हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी जो पूर्वांचल की शाखाएँ उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पूर्व में इसमें कौन कौन सी शाखाएँ हैं। इन नॉर्थ ईस्ट आर द पूर्वांचल रीजन्स, और इसकी जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी पूर्वी जो जगह है, स्थान है, वो पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखलाएँ वहाँ पर स्थित है। दीज आर नॉट वेरी हाई, ये ज़्यादा ऊँची नहीं है, ये जो पर्वतमालाएँ हैं ये ज़्यादा ऊँची नहीं है। एंड कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और यहाँ पर बहुत घना जंगल है। द गारो, खासी, जयंती, नागा, लुशाई एंड मिजो हिल्स टुगेदर फॉर्म द पूर्वांचल। यहाँ के जो पहाड़ियों के नाम हैं गारो, खासी, जयंती, नागा, लुशाई और मिजो, ये जो पहाड़ियाँ मिलके पूर्वांचल प्रदेश को बनाती हैं। दिस रीजन गेट हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और ये जो क्षेत्र है, रीजन मतलब क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है मानसून सीजन में। जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द हिमालय रीजन, यहाँ हम हिमालय के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर आर थ्री मेन हिमालय रीजन्स, वो तीन हिमालय के जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख रूप से तीन हैं। फर्स्ट है वेस्टर्न हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर। वेस्टर्न हिमालय में आ रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग वेस्टर्न हिमालय में आता है। सेंट्रल हिमालय, इसमें पार्ट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सेंट्रल हिमालय में बिहार का कुछ हिस्सा आता है, पश्चिमी बंगाल आता है और सिक्किम आता है। थर्ड है ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में पार्ट्स ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट सच एस असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मणिपुर, जो सेवन सिस्टर है ये सब ईस्टर्न हिमालय में, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आता है। पीपल ऑफ द हिमालय रीजन, अब यहाँ पर हम जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। द हिमालयस पास दो ए नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स, नेमली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्टर्न एंड नॉर्थन उत्तर प्रदेश एंड द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। जो हिमालय प्रदेश है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है जिसमें कि कई सारे स्टेट आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, वेस्टर्न एंड नॉर्थन उत्तर प्रदेश है, मतलब पश्चिमी और उत्तरी उत्तर प्रदेश है, और जो नॉर्थ ईस्ट के उत्तरी पूर्वी प्रदेश के जो राज्य हैं वो भी इसमें स्थित हैं। लाइफ इन द माउंटेंस इज़ नॉट ईजी, जो पर्वतों का जीवन होता है वो आसान नहीं होता है। पीपल मोस्टली लिव इन वैलीज, अधिकतर जो होते हैं वो वैलीज मतलब घाटियों के अंदर रहते हैं। देयर हाउस आर मेड ऑफ वुड एंड हैविंग स्लोपिंग रूफ्स, उनके जो मकान होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, और उनकी जो घर की छत होती है, रूफ मीन्स छत, वो स्लोपिंग होती है मतलब ढलान वाली होती है। पीपल वियर वार्म क्लोथ्स मोस्टली मेड ऑफ वुड एंड सिल्क, वहाँ के जो लोग होते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं, वार्म क्लोथ्स गर्म कपड़े, मोस्टली मेड ऑफ वूल एंड सिल्क, जो कि अधिकतर बने होते हैं वूल मतलब ऊन से और सिल्क मतलब रेशम और ऊन से बने हुए कपड़े वो लोग पहनते हैं। विच कीप देम वार्म एट कम्फर्टेबल इन द कोल्ड वेदर, जो कि उन्हें गर्म रखते हैं, वार्म मतलब गर्म रखते हैं, कम्फर्टेबल मतलब आरामदायक उन्हें लगता है इन कोल्ड वेदर, वहाँ का मौसम ठंडा होता है तो वहाँ के मौसम में वो ऊन के और जो रेशम है उसके कपड़े पहनते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, खेती करना। एनिमल रीडिंग, जानवरों को पालना। हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला, हाथ से बनाए हुए सामान। आर देयर मेन ऑक्यूपेशन, ये उनका मुख्य ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय है, काम है। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर लिविंग, वे अपने जीवन के लिए जो जंगलों से चीज़ें प्राप्त होती है उनके ऊपर निर्भर होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, अब हम जो हिमालय क्षेत्र के अंदर जम्मू और कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पहले एक स्टेट था लेकिन अब एक यूनियन टेरिटरीज, एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इट इज़ अ नॉर्थन मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये जो है ये अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है, और ये स्थित है भारत के उत्तरी छोर पर। इट हैज़ टू कैपिटल्स, की दो कैपिटल है। श्रीनगर इज़ द कैपिटल इन समर एंड जम्मू इन द विंटर सीजन, श्रीनगर इसकी कैपिटल थी गर्मी के समय में और जम्मू सर्दी में। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नाउन एज कश्मीरीज, जो लोग जम्मू और कश्मीर में रहते हैं उनको कश्मीरी के नाम से जाना जाता है। दे स्पीक कश्मीरी, डोंगरी, लद्दाखी एंड उर्दू, वे लोग जो कश्मीरी भाषा बोलते हैं, डोंगरी बोलते हैं, लद्दाखी बोलते हैं और उर्दू भाषा बोलते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। मैन एंड वुमेन वियर लॉन्ग क्लॉक कॉल्ड फिरन, वहाँ की जो आदमी और औरतें वो लॉन्ग क्लॉक मतलब लंबा सा लबादा या परिधान पहनते हैं, चोगा पहनते हैं, उसको हम कहते हैं फिरन। दे यूज़ कांगड़ी टू कीप
देमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर, वे कांगड़ी का यूज़ करते हैं खुद को गर्म रखने के लिए विंटर सीजन में, जब सर्दियों का सीज़न आता है तो कांगड़ी का यूज़ करते हैं। कांगड़ी का यहाँ पे एक पिक दी गई है। पीपल ड्रिंक ए स्पेशल काइंड ऑफ टी नाउन इज कहवा, वहाँ के लोग एक स्पेशल तरह की चाय पीते हैं, इसको हम कहते हैं कहवा। द स्टेपल फूड इज़ राइस, स्टेपल मतलब मुख्य, वहाँ का जो प्रमुख भोजन है वो है चावल है, वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। पीपल जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी गुड एट हैंडीक्राफ्ट, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं। कश्मीरी वूलन कारपेट्स एंड शॉवल आर वर्ल्ड फेमस, वहाँ की जो वूलन कारपेट्स है ऊन से बनी हुई कारपेट है और शॉल है वहाँ पर वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। थिंकिंग अबाउट द नेम श्रीनगर मीन्स द सिटी ऑफ लक्ष्मी, श्रीनगर जो नाम है वहाँ का उसका अर्थ होता है धन की, धन का शहर या सिटी ऑफ लक्ष्मी। द गोडेस ऑफ वेल्थ, जो कि लक्ष्मी जी जो कि गोडेस ऑफ वेल्थ जो कि धन की देवी है। इट वॉज फाउंडेड बाई अशोका द ग्रेट, इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। द प्रेजेंट सिटी ऑफ श्रीनगर वॉज बिल्ट बाई परवसेन, जो वर्तमान श्रीनगर है उसकी स्थापना जो की थी वो की थी परवसेन सेकंड ने, एट जॉइनिंग द ओल्ड सिटी, उन्होंने पुरानी जो सिटी थी उसको मिलाकर इस नए श्रीनगर की स्थापना की। अब हम एक और स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। शिमला इज द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर आर पहाड़ी एंड हिंदी, हिमाचल प्रदेश में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो पहाड़ी और हिंदी है। द मेन टूरिस्ट सेंटर्स आर, यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं वो हैं कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला एंड कसौली, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं या घूमने जाया जाता है। मोस्ट पीपल आर फार्मर्स एंड ग्रो राइस, मैच, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं फार्मर्स हैं, फार्मर्स मतलब किसान हैं, और वे उगाते हैं राइस, चावल, मैज, मक्का, बार्ले, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियाँ और फल। मैन एंड वुमेन वियर टॉप्स एंड पजामास, यहाँ के जो मैन और वुमेन हैं वो टॉप्स और पजामा पहनते हैं। मैन वियर एम्ब्रॉयड कैप्स, जो यहाँ के मैन हैं वो कशीदे वाली टोपी पहनते हैं। एंड वुमेन वियर स्कार्फ कॉल्ड दुजू, और जो यहाँ की महिलाएं हैं वो स्कार्फ पहनती हैं, इसको दुजू कहा जाता है। अब हम एक और स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम उत्तराखंड है। देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक गढ़वाली, कुमायनी एंड हिंदी लैंग्वेज, यहाँ के जो लोग हैं इस स्टेट में रहने वाले लोग गढ़वाली, कुमायनी और जो हिंदी भाषा है वो बोलते हैं। मैन वियर पजामा कुर्ता विद टर्बन एंड वुमेन वियर ए स्पेशल ट्रेडिशनल रंग वाली पिछोरा, यहाँ के जो मैन हैं वो पजामा कुर्ता पहनते हैं पगड़ी के साथ, और जो यहाँ की वुमेन है वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है, इसको रंग वाली पिछोरा कहा जाता है। एक गारमेंट वॉर्न एट सेरेमोनियल ओकेजन विद ज्वेलरी, और ये एक तरह का कपड़ा है, एक तरह के गारमेंट है जो कि औपचारिक अवसर पर पहना जाता है। मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा आर द पॉपुलर हिल स्टेशन, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा जो है ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं। अदर फेमस टूरिज्म एंड पिलग्रिम प्लेस इंक्लूड हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड रानीखेत, यहाँ के और फेमस प्रसिद्ध टूरिज्म जो पर्यटन स्थल हैं वो हैं, जिसमें पिलग्रिम मतलब तीर्थ स्थल भी हैं, जिसमें शामिल है हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और रानीखेत, ये सब पिलग्रिम हैं, तीर्थ स्थल हैं। अब हम अगले स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका नाम है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। गंगटोक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम, सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है। कंचनजंगा इन सिक्किम इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, कंचनजंगा पर्वत चोटी, इसके बारे में हमने पढ़ा था इस लेसन में पहले, वो सिक्किम में है, इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड ट्रीज, जो स्टेट ही फेमस है अपने ऑर्चिड ट्रीज के लिए, ऑर्चिड पेड़ों के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर बिलोंग टू द लेपचा, भूटिया एंड नेपाली ट्राइब्स, यहाँ के अधिकतर लोग हैं वो जनजातियाँ हैं, जिसमें कि लेपचा, भूटिया और नेपाली जनजाति हैं। वुमेन वियर बाकू एंड कलरफुल ज्वेलरी मेड ऑफ बीड्स, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बाकू पहनती हैं और कलरफुल रंगीन ज्वेलरी पहनती है जो कि मोतियों से बनी हुई, बीड्स मतलब मोतियों से बनी हुई होती है। दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल इज़ ए पॉपुलर हिल स्टेशन, और पश्चिमी बंगाल का
दार्जिलिंग जो है ये एक फेमस हिल स्टेशन है। इट हैज़ मैनी टी गार्डन्स, यहाँ पर बहुत सारे चाय के बागान हैं, बगीचे हैं। विच प्रोड्यूस टी ऑफ गुड क्वालिटी, जहाँ पर की बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय का उत्पादन, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन या बनाई जाती है यहाँ। कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल सिटी है वो कोलकाता है। द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट इज दुर्गा पूजा, इस स्टेट का जो मेन फेस्टिवल है, प्रमुख त्यौहार है, वो है दुर्गा पूजा। तो आपने देखा कि हमने इस चैप्टर के इस पार्ट के अंदर हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बारे में और इनकी कैपिटल के बारे में हमने रीड किया। आपको एक बार लेसन और रीड करना है। थैंक यू।